अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं के बीच बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। भाजपा के दिग्गज कांग्रेस को डूबती हुई नाव बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर कांग्रेस नेताओं को डराने का आरोप लगा रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि कांग्रेस की नाव में देश की जनता सवार होगी, कांग्रेस डरने वाली पार्टी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पीसीसी चीफ के बयान का समर्थन करते नजर आए। डराने धमकाने का काम इधर नया थोड़ी, भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले भूपेश बघेल के ऊपर एफआईआर होता है, कई नेताओं के ऊपर एफआईआर होता है, एक एफआईआर होता है जो लोकसभा का प्रत्याशी बन जाते हैं वो सरगुजा, उस एफआईआर वापस हो जाता है, ये तो दुनिया देख रही है। जिसका नाम नहीं है उसका नाम जोड़ दो, जिसका नाम है वो बीजेपी का ज्वाइनिंग कर लिया उसका नाम काट दो, ये दुनिया देख रही है। भारतीय जनता पार्टी का इससे बड़ा प्रोपोगंडा क्या हो सकता है। दीपक बैज जी ने जो कुछ कहा है उससे सहमत हूं, ये जानबूझ करके हमारे लोगों को बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं, डरा रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और ये साजिश के ही तहत हो रहा है। और इसी तरीके से साजिश वो हमारे कई पुराने विधायकों को, पुराने मंत्रियों को भी दे रहे हैं, बार बार फोन आ रहा है, मैं नाम भी लेना चाहता हूं, जय सिंह जैसे दबंग विधायक, दबंग मंत्री के पास भी उनकी कोशिश जारी है, ये कोशिश नाकाम रहेगी, उनके बहकावे में कोई नहीं आएगा, ये हमारे साथ जो है कांग्रेस के साथ रहेंगे और हम लोग बड़ी मजबूती से लड़ेंगे।